नमस्कार। चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू। रूबू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत हैं, एक बहुत बड़ा नाम, एक जाना पहचाना नाम कला के क्षेत्र का, उनको जूनियर देवानंद तो कहा ही जाता है, लेकिन वो अपने आप में एक बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन कलाकार हैं, और साथ ही इज वेरी गुड सिंगर, ही इज एमिनेंट एक्टर, ही इज सिंगर, वो क्या नहीं है, उनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे साथ हमारे इस मंच पर हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ किशोर भानुशाली जी का, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार काजल जी, नमस्कार। क्या थैंक यू जो बात, आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक क्या बात सर, क्या बात। बहुत यू। और ये बहुत टीका देख के मुझे ये दुर्गा माँ की याद आ गई। क्या बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। हमारे लिए प्रिविलेज कि आप हमारे साथ इस शो में हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप एक जानी मानी शख्सियत हैं और आप एक बहुत संघर्ष के बाद आपने ये मकाम हासिल किया। कहते हैं ना कि एक सब्र का फल मीठा होता है, और आपको किसी मकाम पर पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते, खासतौर पर युवा जनरेशन की बात अगर हम करें, यंग परफॉर्मर्स की बात करें, आपको सीढ़ियां चढ़नी ही चढ़नी होगी, आपके पास आपको स्ट्रगल करना ही करना होगा, और स्ट्रगल का जो मजा है उसके बाद जो फल मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि आपकी जो यात्रा रही है कला के क्षेत्र में, उसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमें जरूर बताएं। लगता है अभी हमारा नेटवर्क शायद सर का नेटवर्क किशोर भानुशाली सर हमारे साथ हैं, मुंबई से हैं हमारे साथ, लेकिन जब हमारे साथ जब लॉन्ग आ गए सर, आ गए हैं, और हम उनको लेने की कोशिश करते हैं। जी सर, नेटवर्क का इशू हो पता गया सर। जी नहीं सर, क्या है, आई डोंट नो। मेरे यहाँ तो करेक्ट चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। कई बार हो जाता है जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इस तरह की चीजें तो होती ही होती हैं, और आजकल हम लोग आपस में मिल नहीं सकते तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही सारी चीजें हो रही हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा वही सवाल सर, आपका जो सफर है कला के क्षेत्र, हम चाहेंगे हम भी उसका हिस्सा बने। किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, आपने किस तरह से स्टार्ट किया, बिल्कुल एक लेजेंड के साथ, आपको आप खुद अपने आप में एक लेजेंड है जो आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी हम भी उससे रूबरू हों जो आपकी जर्नी रही है। शुरुआत जो है, मैं एकदम मिडिल क्लास के फैमिली से हूँ, और मैं 5-7 साल का था, 5-7 साल का था मैं। गुजराती स्कूल, हम वी आर गुजराती, मैं गुजराती स्कूल में मैं पढ़ता था। राजेश खन्ना उस वक्त सुपरस्टार थे, पहले पहला जो जी स्टार था वो राजेश खन्ना सुपरस्टार, जो शब्द आया वहीं से आया। उस वक्त मुझे किसी ने बोला कि तुम बिल्कुल देवानंद जैसे लगते हो। मुझे आज भी वो लड़का याद है, परेश नाम था उसका। उसने कहा कि यार तुम्हारी शक्ल देवानंद से बहुत मिलती है। अब मैंने कभी नाम नहीं सुना था, मैंने कहा कौन देवानंद। उस वक्त तो राजेश खन्ना को हर कोई जानते थे। तो बोले कि जॉनी मेरा नाम एक फिल्म है, उसका हीरो है देवानंद। अब फिल्म देखना बहुत बड़ा गुनाह था उस वक्त। अच्छा, पैसे वैसे तो कुछ 2 पैसे 3 पैसे उस वक्त चलते थे, 5 पैसे 10 पैसे। स्कूल में वैकेशन हुआ, मैं चला गया मामा जी के घर पे पालघर। वहाँ इत्तफाक से देखिए देवानंद साहब की पिक्चर लगी थी, ये गुलिस्तान हमारा। वाह तो मैंने मामा जी के लड़के से कहा मुझे यार देवानंद की फिल्म देखनी है। तो ये वो मुझे लेके गया, ये गुलिस्तान हमारा देखी। पहली बार मैंने देव साहब को देखा। और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आया, तो यहाँ ज्वेल थीप दिखाने मेरा भाई, मेरे बड़े भाई जो हैं वो मुझे ले गए। ज्वेल थीप देखने के बाद तो मुझे लगा कि यार शक्ल तो बहुत मिलती है। मैं आईने के सामने खड़ा हो गया, कहा
कॉलर के बटन बंद किए, रुमाल बांधा, गर्दन हिलाई, आज 50 साल हो गए, आज भी गर्दन हिल रही है। वाह, बस इस तरह से शुरुआत हुई है। उसके बाद ये स्टूडियो से वो स्टूडियो, ये प्रोड्यूसर से वो प्रोड्यूसर, ये डायरेक्टर, स्ट्रगल जो शुरू हुआ साइकिल पे। पैसे, मैंने कहा ना पैसे तो कुछ होते ही नहीं थे जेब में, और फिल्म देखने का बड़ा शौक था, और मैं जितेंद्र जी का बहुत बड़ा फैन था, और आज भी मैं फैन हूँ। जितेंद्र जी का कोई गाना आ जाए, मैं सब काम छोड़ के मैं बस वो गाना देखने के लिए बैठ जाता हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जितेंद्र जी का। तो 15 साल निकल गए स्ट्रगल करने में, किसने घास पर नहीं डाली मुझे। हाँ, मतलब स्टूडियो जा रहा हूँ, ये इनसे मिल रहा हूँ, उससे मिल रहा हूँ, इससे मिल रहा हूँ, लेकिन कहीं काम तो कोई नहीं दे रहा था, लेकिन स्ट्रगल तो चालू ही था। मैं शत्रु साहब के साथ में मैं बहुत घूमा। शत्रु साहब मुझे गाड़ी में लेके घूमते थे और हर किसी से मिलवाते थे, देखिए बच्चे को देखिए क्या काम करता है बेटा, क्या काम करता है बेटा, शुरू हो गया जॉनी मेरा नाम का डायलॉग बोल, कॉलर का बटन बांध, रुमाल बांध, चल जॉनी मेरा नाम का डायलॉग सुना, आमिर गरीब का डायलॉग सुना। मैं सुनाता था जीवन साहब, प्राण साहब, अजीत साहब, रंजीत साहब, ये बड़े बड़े दिग्गज, प्रेम चोपड़ा जी सब बैठे रहते थे, मैं बीच में खड़े होकर मैं उनको डायलॉग सुना रहा था। सब कुछ किया, लेकिन मैं उस वक्त बच्चा था अभी, लेकिन स्कूल भी करना है, स्कूल में भी पढ़ाई भी करनी है और स्ट्रगल भी करना है, और स्ट्रगल कर रहा हूँ ये पप्पा को पिताजी को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि फिल्मों में काम करना या फिल्में देखना हमारे इसमें बहुत बड़ा गुनाह, मतलब गुनाह नहीं, उस वक्त मतलब डर लगता था पापा से, डर लगता था तो फिल्म देखने चला गया कहीं मार ना पड़े। उन दिनों रिकॉर्ड डांस एक प्रोग्राम हुआ करता था, रिकॉर्ड होती थी HMV की, उस पर तो वो मैंने शोज भी किया, हालांकि पैसे वैसे कुछ मिलते नहीं थे। पिछले दरवाजे से मैं निकल जाता था, कपड़े किसी के घर पे पड़े हैं, जूते किसी के घर पे पड़े हैं, और इस तरह से तैयार होके मैं पूरी रात शो करके मैं सवेरे आता था, और इतना बड़ा बैग, कपड़े भी सिलवाने हैं, अभी पैसे कुछ मिलते नहीं थे, जो कुछ पैसे मिले 10-20 रुपए में उसमें कपड़े भी जैसे तैसे सिलवा बिलवा के या किसी से मांग के मैं लेके जाता था। इस तरह से स्ट्रगल किया, अपना शौक पूरा किया, फिल्में देखनी है तो 1 रुपया रहता था जेब में, तो वो ब्लैक वाले बाहर जो घूमते थे, तो आधे घंटे के बाद वो टिकट जो 2.5 रुपए की है वो मुझे 1 रुपए में मिल जाती थी, और इस तरह से मैं आधे पौने घंटे के बाद मैं अंदर जाके मैं फिल्में देखता था। इस तरह से मैं अपना शौक पूरा करता था। वड़ा पाव खाने को बहुत दिल करता था, लेकिन पैसे नहीं होते थे, 4 आने का मिलता था उसको वड़ा पाव। और सारा स्ट्रगल मैंने जो किया है एक साइकिल के ऊपर मैंने किया है। बांद्रा तक जाता था मैं, जोगेश्वरी से, मैं जोगेश्वरी में रहता था, हम लोग चौल में रहते, पूरा स्ट्रगल मैंने साइकिल पे किया है, और लोग एंटरटेन करते थे, अरे भाई डायलॉग सुनाओ इस फिल्म में काम दे देंगे, भाई डायलॉग सुनाओ उस फिल्म में काम दे देंगे, लेकिन काम कोई नहीं देता था। 15 साल निकल गए इस तरह से। उसके बाद फिर मैं नौकरी करने लगा था एक जगह पे, 13 रुपए में, 13 रुपए मिलते थे नौकरी के, पूरा दिन काम करने का, सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। उसके बाद ओवर टाइम अगर मिल जाए तो उसमें 13 रुपए और मिलते थे, तो मैं सब लोगों को सलाम किया करता था, तो मुझे ओवर टाइम भी मिल जाता था, तो इस तरह से 26 रुपए मिल जाते थे। फिर स्ट्राइक हो गई वहाँ पे कंपनी में, कंपनी से सबको निकाल दिया, उसमें मेरा भी नंबर लग गया। तो डैडी ने कहा क्या कर रहे हो, बोला अभी नौकरी तो है नहीं तो तुम मेरे साथ काम करो, तो हमारा बारदान का काम है, गोनी का, जो चावल वगैरह नहीं भरते हैं जिस बोरी में, वो बोरी का हमारा पुरखों का धंधा है। तो मैं पिताजी के साथ काम पे लग गया, स्ट्रगल भी चल रहा था बीच बीच में। कहते हैं तकदीर से पहले कभी मिलता नहीं है, जब तक आप तकदीर में लिखा नहीं है आप कितना भी, हाँ लेकिन आपको स्ट्रगल छोड़ना नहीं, स्ट्रगल तो आपको करना ही है। कहते ना हम लोग बैंक में जाते हैं, चेक देते हैं, उसके बाद हमको टोकन नंबर मिलता है, हम लोग वेट करते हैं, फिर वहां से नंबर 21 और हम लोग जाते हैं, टोकन दिया हमको कैश मिल जाता है। तो जब तक आपका नंबर नहीं आता
तब तक आपको कुछ नहीं मिलता, तकदीर से पहले कुछ नहीं मिलता आपको, तकदीर से ज्यादा भी कुछ नहीं मिलता। तो मेरा लिखा नहीं था उस वक्त कि मिलेगा। पिताजी के धंधे में लग गया, शादी भी हो गई उसके बाद। एक दिन अचानक मोहन चोटी साहब मेरे घर पे आए, उस वक्त के मशहूर कॉमेडियन। उन्होंने कहा मेरा शो है, रामायण सीरियल उस वक्त चल रही थी टीवी पे, दूरदर्शन पे, एक ही चैनल था दूरदर्शन। बोले मेरा शो है बोरेवली में, तुम करोगे? मैंने स्ट्रगल वगैरह फिर छोड़ दिया था, मैंने शोज भी छोड़ दिए थे। उनका देखो भाई, 1-2 साल हो गया मैंने सब छोड़ दिया, मैं एक्टिंग तक भूल गया हूँ। बोले छोटा सा शो है, 31 दिसंबर का है, कर लो, पैसे भी दूंगा। मैंने कहा ओके। उस वक्त फिल्म रिलीज हुई थी खून भरी मांग, रेखा जी की। खून भरी मांग जी, बिल्कुल, कबीर भी हाँ देखा जी। तो बोरेवली में खून भरी मांग शो खत्म होने के बाद फिर हमारा उस वक्त मिड नाइट शो होता था 31 दिसंबर 12 बजे के बाद, उसी थिएटर में शो था। मैंने कुछ 1-2 एंट्री की और मोहन चोटी साहब बहुत खुश हो गए, वहां पे बीरबल जी भी थे। और यार बोला, यार तू तो सेम देवानंद लग रहा है। अब मोहन चोटी साहब ने कहा भाई तुम हमारे पिक्चर में काम करोगे? मैंने कहा साहब इतने साल स्ट्रगल किया, किसी ने घास नहीं डाली, आज आप मेरे को सामने से बोल रहे हो। बोले मैं एक वीडियो पिक्चर बना रहा हूँ, उस वक्त VCR हुआ करता था, वीडियो कैसेट। तो बोले 2 दिन के बाद मेरी शूटिंग फिल्मिस्तान में है, पिक्चर का नाम है पागल खाना, तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अब जाना है, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए पिताजी को कि मैं स्टूडियो में जा रहा हूँ। सवेरे सवेरे मैं पिताजी को ये बोल के साइकिल से निकला कि मैं जा रहा हूँ काम पे, दुकान पे जा रहा हूँ। वापस आके कपड़े चेंज करके पीछे की दरवाजे से मैं चला गया फिल्मिस्तान। वहां मैंने पूरा दिन शूटिंग की, पागल खाना की। वहां रजा मुराद साहब से मुलाकात हो गई। देखो देखो कैसे चेन कैसे बनती है। 17-18 साल निकल गए, काम नहीं दिया मेरे को, किसी ने खड़ा तक नहीं किया, स्टूडियो में भी मुझे घुसने नहीं देते थे। रजा मुराद साहब मिल गए। रजा मुराद साहब ने मोहन चोटी साहब को बुला के कहा कि इसका रोल बढ़ा दो, तुम्हारे पिक्चर में जान आ जाएगी, एक नई चीज है। मोहन चोटी साहब ने कहा कि ठीक है, मेरा रोल बढ़ा दिया। हालांकि उस फिल्म से इतना ज्यादा तो मुझे फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन उससे मुझे दूसरी एक वीडियो फिल्म मिली। और वीडियो फिल्म करते 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 मुझे, मैं दिल फिल्म वाले से मेरी मुलाकात हुई। मैंने ऐसे ही देखिए इतफाक देखिए, मैंने ऐसे ही दिल फिल्म वाले एक अकाउंटेंट से मैंने बात की फोन पे। मैंने कहा मैं किशोर बोल रहा हूँ, वो भी गुजराती था सामने, दिलीप भाई। मैंने कहा दिलीप भाई बापू, वो गुजरात, वो वीडियो फिल्म के बाद कुछ काम नहीं है, मैं अभी डैडी के साथ आया हूँ जरा दुकान पे, कहीं काम दिलवा दो। बोले दिल पिक्चर की शूटिंग चल रही है बैंड स्टैंड में, पारसी बंगलों में, तुम अभी कभी पहुंच जाओ। मैंने कहा यार अभी के अभी कैसे पहुंचूं, मुझे गाड़ी भी गाड़ी मैंने भरी है जो माल से, वो खाली करवानी है, उसके बाद मैं घर जाऊंगा, मैं नहाऊंगा, कब पहुंचूंगा। मैं जैसे तैसे मैं दुकान पे पहुंचा, मैंने आदमी से कहा कि तुम गाड़ी खाली करवा देना। मैं साइकिल से निकला, घर पे आया, नहा धो के खाना नहीं खाया, सीधा ट्रेन से निकला बांद्रा। वहां से मैं रिक्शा पकड़ के मैं चला गया पारसी बंगलो, बैंड स्टैंड के सामने पारसी बंगलो है। काफी फिल्मों की वहां शूटिंग हुई है, अंगार, तेजाब। वहां वो ही ग्रुप था वीडियो शूटिंग वाला। उन्होंने कहा भाई यहाँ कोई वीडियो शूटिंग नहीं चल रही। मैंने कहा मुझे पता है दिल पिक्चर की शूटिंग चल रही है, आमिर खान, माधुरी दीक्षित। मुझे किसी ने वहां पे क्राउड में खड़ा कर दिया, क्राउड में। अब अच्छा, उससे पहले मुझे किसी ने कहा कि तुम मेकअप करवा लो, मैं इधर का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने मेकअप करवा लिया, मुझे क्राउड में खड़ा कर दिया। अब क्राउड में मैंने कुछ ऐसी हरकतें की कि वो इंदू ईरानी साहब को पसंद आ गई। जैसी म्यूजिक, कोई ब्रेक डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैंने देवानंद किया, देव साहब की मैंने एक्टिंग की। वहां पे जैसे शॉट खत्म हुआ, ताली बजने की आवाज आई, हंसने की आवाज आई, देखा तो इंदू ईरानी साहब हंस रहे थे जो इस पिक्चर के डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे बुलाया, अरे इधर आ, इधर आ, किसके साथ आया? नहीं मैं अकेला ही आया हूँ, वैसे आपका भाई अडी रानी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उनके साथ में मैं वीडियो पिक्चर कर चुका हूँ। इंदू साहब ने कहा कल आओगे? मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। बोले कल सवेरे आ जाओ। कहा ओके। मैं सवेरे 8:30 बजे वही बांद्रा पारसी बंगलो पहुंच गया। अब जिसने मुझे कहा था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, वो चाय लेकर मेरे पास आया।
मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर आप चाय लेकर, बोला मैं कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं इधर का स्टोर बॉय हूँ। मैं कहला ऐसे ही तुमको बेवकूफ बना रहा था, अंदर तुम्हारी बात चल रही है। मैं अंदर गया, मुझे पहला ही शॉट अनुपम खेर जी के साथ में दे दिया, जो आमिर खान साहब के घर में जो पार्टी चल रही है अगर आप फिल्म देखेंगे। मैंने बिल्कुल वो कुछ बोले, वो डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर थे वसंत भाई, गुजराती है वो भी। तो इंदुरानी साहब बोले मैं जब भी इसको देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे देव साहब मेरे सामने खड़े हो, मैं सीन समझा नहीं पाऊंगा, वसंत तू समझा। तो वसंत भाई आए मेरे पास, देख किशोर क्या नाम है, किशोर नाम है, गुजराती है। मैं बोला हाँ अनुपम जी पता है ना। अरे मैंने कहा अनुपम खैर साहब वो कितने बड़े यार रीजन, उनको कौन नहीं जानता। बोले वो तेरे से टकराएंगे, तेरे को जो करना है कर, ऐसा बोलते वो चले गए। वाह अनुपम जी आके मेरे से टकराए, मैं पीछे मुड़ा, उनका कान पकड़ा, कुछ फाइट मारा, पंच मारा, ये पता नहीं उस वक्त जो ध्यान में आया मैंने कर दिया, वन टेक ओके हो गया, वहां तालियां बजी। बोला वाह 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 मजा आ गया। थोड़ी देर में आमिर भाई भी आ गए, आमिर खान। बोले इसने यार अभी वो ये किशोर ने वो किया अनुपम जी के साथ में, बहुत अच्छा किया है। वापस मुझे बुलाया, इधर आ इधर आ, अनुपम जी को बुलाओ, वापस करते हैं, शूट नहीं करेंगे, आमिर भाई को दिखाना कि कैसे किया था, लेकिन वैसे ही करना है जैसे किया था। मैंने कहा ओके सर। वो मैंने करके दिखाया, आमिर भाई ने बोला मुझे पूरी फिल्म में चाहिए ये। हालांकि पिक्चर 20% बन चुकी थी, कास्टिंग हो चुकी थी, मेरी बाद में एंट्री हुई, साहब पूरी फिल्म में मुझे आमिर भाई ने बहुत हेल्प किया, आमिर खान ने, माधुरी दीक्षित जी ने मुझे बहुत हेल्प की, मैं नया नया था बिल्कुल। ये महान लोग हैं, ये देखो जब कोई नया होता है जिसको कभी कभी हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये हमको बताते हैं, हमको सिखाते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे खड़े रहना है, ये लाइट लेनी है तुमको, ये कैमरा ऐसे करना है, ये हमको सिखाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। ये महान ऐसे नहीं बने हैं, इसीलिए मैं आज भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ माधुरी जी की और आमिर भाई की और इंदुरानी साहब, जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ हूँ। पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई, गोल्डन जुबली हुई, मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, आशीर्वाद अवार्ड बी.आर. चोपड़ा साहब के हाथ से। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने 100 150 पता नहीं कितनी फिल्में की। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में भी बैठ पाऊंगा। आज हर चौथे दिन मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ 35 साल से। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ मैं नहीं गया। मेरे 8 पासपोर्ट बन चुके हैं, जिनको देखने के लिए हम लोग टिकट के लिए लाइन में खड़े रहते थे, धक्के खाते थे, लाठियां खाई है हमने फिल्म देखने के लिए। थिएटर में जब बैठते थे तो ये नहीं देखते थे कि एसी है या नहीं, पंखा है या नहीं, सीट फटी हुई है, स्प्रिंग निकली हुई है, क्या है, कुछ नहीं मालूम। फिल्म देखने के लिए पागल थे, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर, धर्म पाजी, देवानंद साहब, इनको देखने के लिए, आशा पारेख जी, वहीदा रहमान जी, ये दिग्गज, मनोज कुमार जी, इनको देखने के लिए हम लोग पागल थे, फिल्म के अंदर डूब जाते थे। मैं इतना तकदीर वाला हूँ, मैंने सबके साथ काम किया, वाह आशा पारेख जी के साथ में मैंने 3 सीरियलें की, मनोज कुमार जी की फिल्म की, जितेंद्र जी के साथ में 3 फिल्में की, और जीतू जी आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका मैं जबरदस्त फैन हूँ। मतलब कहने का है कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त, और जिस दिन मैंने पहली गाड़ी खरीदी, हालांकि मैंने सेकंड हैंड ली थी मारुति, उसी दिन मेरी वो साइकिल चोरी हो गई। मतलब माय ईश्वर ने ये कहा कि बेटा बहुत घूम लिए 2 पहियों पे, अब 4 पहियों पे आ जाओ। और जो पारसी बंगलों में जहां मैंने पहला शॉट दिया था बैंड्रा में, उसका नाम आज मन्नत है, शाहरुख खान वो साहब शाहरुख का। खान का बंगला है यार। ओ वहां मैंने पहला, वाह उसको पारसी बंगलो कहते थे पहले। मैंने वाह बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब वड़ा पाव खाने के भी पैसे नहीं होते थे कई बार, तो कैसे मांगे कैसे घर से, और घर से मांगे भी तो चारा ना 10 पैसा, उससे ज्यादा तो पैसा मिलता नहीं था, और पैसे कैसे कैसे जमा कर करके हम लोग फिल्में देखते थे। तो शौक एक होता है, एक लगन होती है, एक आग होती है, जो आपको ये पागलपन जरूरी है। जब तक आप पागलपन नहीं है, आपके सर के ऊपर धुन सवार नहीं है, तब तक आप नहीं, आपका टारगेट एक ही रहना चाहिए कि बस मुझे
वहां पहुंचना है। लोग बोलने तो आसपास वाले पागल है यार होते हैं, जब भी देखा जा रहा है फिल्मों के पीछे भागता है, स्टूडियो में घुसेगा, इसको कोई आने भी नहीं देता स्टूडियो। ये जरूरी है बोलना, जब तक वो लोग बोलेंगे नहीं, जब तक आपका इंसल्ट नहीं होगा, आपके अंदर वो आग पैदा नहीं होती है। ये बिल्कुल इंसल्ट सही ही है कहा जो है। आपकी एक शक्ति है आपकी, बात कि एक दिन सही। तुम मुझे ये बोल रहे हो ना, देखना एक दिन मैं स्क्रीन पे आके दिखाऊंगा, ये अंदर से खुद क्या निकलता है आपके। बात स्ट्रगल क्या बात। को स्ट्रगल, इतनी स्ट्रगल अरे की आप, 15 साल स्ट्रगल की, 15 साल, उसके उससे बाद ज्यादा हुआ होगा, 15 साल से ज्यादा हुआ होगा, 15 साल गॉड। तो कहने को, मुझे लगता है उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। और सभी ने किया है, महमूद भाईजान ने भी किया, उनकी भी जब स्ट्रगल सुनता हूँ मैं, आज मैं रोज टीवी पे देखता हूँ कितनी जीतू जी ने कितनी स्ट्रगल की है, सुनील दत्त साहब ने कितनी स्ट्रगल की, अमिताभ बच्चन साहब ने कितनी की। तो मैंने कहा तकदीर से पहले कुछ मिलता नहीं है, तकदीर से पहले पर वो कुछ नहीं आग बहुत मिलता। जरूरी वाकई और वो मिलता है, वाकई मिलता है अगर आप मेहनत करोगे तो। ईश्वर है आप, देखो तकदीर की जो लकीरें है ना, वो चेंज भी हो सकती हैं, ऊपर वाला चेंज बिल्कुल भी कर देता है कि बेटा बहुत मेहनत किया, चल अभी मैं तेरा जी चेंज कर देता हूँ, अब तेरे को फल देता हूँ मैं। क्या बात क्या बात। हमारे साथ इतने एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं और एक से बढ़कर एक कमेंट हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। अय्याज शारिक साहब श्रीनगर से हमारे से जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम। निशा सैम्यूल लिखती हैं कि आज आपने एक बेहतरीन शख्स को शख्सियत में बुलाया, बहुत शुक्रिया। जमीर अरे अशाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं जम्मू कश्मीर के, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे एस्टीम्ड व्यूअर हैं, बहुत शुक्रिया। भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं जम्मू कश्मीर की, बहुत बहुत शुक्रिया। विनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं बहुत बड़ी और लेखिका हैं, शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नोरीन शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, लेखिका हैं, रंगकर्मी हैं और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। संजीव गिरजर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं लेकिन आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बहुत बड़ा नाम, दिल्ली रंगमंच का, वॉइस एंड डिक्शन की इनको महारत हासिल है, आकाशवाणी की टॉप ग्रेड कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप लाथर जी हमारे साथ जुड़े हैं, हरियाणा के फोक को, एक फोक को लेकर एक मशाल की तरह लेकर चल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे एमिनेंट हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। नीलिमा देश पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे साथ कल शख्सियत में थी, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने भी आपके साथ ओ काम किया है, बहुत शुक्रिया नीलिमा जी, नीलिमा नीलिमा। जी, हाँ, बहुत जी, सारे हमारे साथ, दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं और बेहतरीन कलाकार, बहुत बहुत शुक्रिया। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत शुक्रिया। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़ी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और माइम के बादशाह कहा जाता है उनको, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं वेलकम किशोर जी, हैप्पी टू सी यू, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक युवराज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं आकाशवाणी के नाटकों से उनका ताल्लुक, रोहित मरोठिया हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी से ताल्लुक रखते हैं, मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी के नाम अगर मिस कर जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और इतने बेहतरीन शख्स आज हमारे साथ हैं, किशोर साहब इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है हमारे साथ। निशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जयदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आकाशवाणी से जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अब मैं थैंक यू, चाहूंगी पहले थैंक यू। हमारी सबकी गुजारिश मैं भी कि सब हम लोगों का आप, पहले सब लोगों को मैं शुक्रिया कर दूं, जितने भी देखने वाले हैं, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी कहिए काजल जी। मैं चाहूंगी अगर आप तो हमें थोड़ा सा कुछ सुना दें, इतना इतनी खूबसूरत, इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी कि मजा आ गया। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है उन सब युवा रंग कर्मियों के लिए, उन सब युवा परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े लोगों के लिए जो जो स्ट्रगल करने से थोड़ा सा घबराते हैं और मायूसी से डर जाते हैं, लेकिन किशोर सर की जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उनसे हम सभी को, खासतौर पर युवा जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े लोग हैं उनको जरूर इंस्पिरेशन मिली होगी, आई एम 100% श्योर। जी सर देखो टाइम एक सा नहीं रहता है, ये चक्र है,
चक्र है, हमें यूं लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, अभी आगे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, वो वक्त चला जाता है, और जब वक्त चला जाता है हमारा जो दुख का, अभी जो लॉकडाउन है, जब ये चला जाएगा तो हमें वो पलों में लगेगा कि अरे यूं फट से निकल गया, अभी बहुत लंबा लग रहा है। तो मैं यही कहूंगा, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, के तू आदमी है अवतार नहीं, जो है देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे तू काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर, वाह जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खो के रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो वाह पल। वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। चक्र है, मुझे वी शांताराम के एक भांजे या भतीजे थे जो बाजीगर में भी थे, जी, सुशांत, शायद उनका नाम सुशांत था या क्या है? मैं उनके साथ में काम भी कर चुका हूँ। सुना है वो उन्होंने सुसाइड कर लिया था बहुत साल पहले, क्योंकि शायद काम वाम नहीं मिला था फिर उन्होंने। आज अगर वो होते, कितनी सीरियलें बन रही हैं, कितनी वेब सीरीज बन रही हैं आज, जो टॉप के हीरो होते हैं उस वेब सीरीज के। तो यही मैं कहता हूं कि जब ऐसा वक्त आता है तो प्लीज आप सब उसके ऊपर छोड़ दो, वो बहुत बड़ा बॉस है, वाकई आपकी औकात नहीं है टेंशन लेने की, आप इतने बड़े नहीं है कि आप टेंशन लो, वो है ऊपर वाला बैठा हुआ है, उसने आपको जन्म दिया है, उसको सब मालूम है, मेरे बच्चों को क्या प्रॉब्लम है अभी, वो उनके ऊपर छोड़ो, आपके माँ बाप, वो बाप है हमारा, वो हमारी माँ है, उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो सब ठीक कर देता है, मैंने देखा है, उनको करोड़ों लोगों को देखना है, आपका नंबर भी आएगा और फटाक से आएगा, ये नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, वक्त आएगा, आप फिर हंसोगे, मायूस नहीं होना है। तो बस यही मैं बोलता हूँ उन लोगों को कि ये जीवन चक्र है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है, ये न वाह सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, इसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन बहुत है। क्या खूबसूरत गाना लिखा खूबसूरत, था। आपने कितना खूबसूरत गाया इसको। वाह, जस किरण चोपड़ा जी लिखती हैं कि आपने इतना खूबसूरत गाया, अब कुछ देर के लिए देवानंद साहब बन जाइए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब देवानंद बन जाता हूँ। देव साहब कहते थे हमेशा, देव साहब हमेशा चार लाइनों पे चले, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। देव साहब ने, मैं कई बार मिल चुका हूँ देव साहब से, मतलब लास्ट लास्ट में देव साहब जब 2012 में या 11 में गए, उससे 1 महीना पहले देव साहब के साथ बैठकर मैंने और जैकी दादा ने, हमारे जैकी श्रॉफ,
वो तो देव साहब के पीछे पागल थे, देवानंद नहीं उनके लिए सब कुछ, जयकारा के लिए। तो हम दोनों ने मिलकर देव साहब के साथ में रेडियो मिर्ची वालों ने दो फिल्में रखी थी, ज्वेल थीफ और गाइड। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ देव साहब के साथ बैठ के देखने का। और मैं देव साहब के यहाँ पे, उनका आनंद डबिंग स्टूडियो है, वहाँ मैं शिवराम फिल्म पे डबिंग कर रहा था। तो मुझे किसी ने आके कहा कि देव साहब आपको बुला रहे हैं। मैं जैसे ऊपर गया तो देव साहब वैसे ही एकदम, मतलब आपको लगता है कोई 26 साल का लड़का बैठा हुआ है, वैसे ही स्वेटर बैटर बंधे हुए और खड़े, एक पांव टेबल पे और एक पांव नीचे। सर किसके डबिंग कर रहे हो? मैंने कहा सर शिवराम की। किसकी शिवराम, किसकी फिल्म है? मैंने कहा जगदीश शर्मा, मुन्ना भाई। ओ मुन्ना भाई, मैंने उनकी एक फिल्म की थी लश्कर। मैंने कहा जी सर आप, लेकिन एक जगह पे जब शूटिंग थी तो दो शॉट मैंने दिए थे लश्कर में, आप वहां पे नहीं थे, आप कहीं आउटडोर गए थे। वाकई में लश्कर में दो शॉट मैंने दिए, किरण कुमार जी को जो गिरफ्तार करना है, उस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो देव साहब हंस पड़े, बोले देखो किशोर, जिंदगी में कभी भी हमेशा आगे ही देखना, जो हो गया उसको भूल जाना, वो हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ अभी वर्तमान है, और टारगेट ये रखना कि बस मुझे आगे बढ़ना है, जो हो गया उसको भूल जाना, डिप्रेशन में कभी मत जाना, बस जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, यही रखना। और बस वो उन्होंने जो मुझे बोला था, मैं जिंदगी भर अभी उसी पे मैं चल रहा हूँ। आज उस बात को आज मुझे लगता है 30 साल हो गए, 92 की बात है शायद, या 91 की बात है। देव साहब से मैं 3-4 बार मिला हूँ, लेकिन क्या बात है देव साहब की, दूसरा देवानंद इस धरती पे पैदा नहीं हो सकता, हम तो उनके पांव के नाखून भी नहीं है। उनको ग्रेवी पैक करना, ग्रेवी पैक। मुझे अमेरिका में, अमेरिका में जब मुझे सवाल पूछा, मैं अमेरिका काफी बार जा चुका हूँ, मेरा हर साल जाना होता है अमेरिका, वहां मैं बहुत शो करता हूँ। तो अमेरिका में जब किसी ने पूछा था फिल्म एक्टर, मैंने कहा फिल्म एक्टर, जूनियर गैगरी पैक, मैंने कहा ओ यू गैगरी पैक। उधर मैंने, मुझे याद है मैं 93 या 94 की बात है यार, बहुत साल हो गए, तो उसको मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने कहा मैं गैगरी पैक हूँ, आई एम जूनियर गैगरी पैक। ओ या ओके ओके, गो गो गो। वहां पे पूछते हैं ना, वहां पे सवाल पूछते हैं जब पासपोर्ट देते हैं आपको, फटाक से थप्पा लगा दिया। वाह क्या बात, कमाल। भारती रहना जी लिखती है हब्बू की उल्टन पुल्टन, कमाल का आपका करेक्टर, क्या कहेंगे। कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कॉमेडी करना आसान नहीं होता, कॉमेडी बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो राइटिंग आती है, राइटिंग भी बहुत मुश्किल है, कॉमेडी लिखना भी बहुत मुश्किल है, लिखने के बाद फिर डायरेक्टर आपके कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, फिर एक्टर कैसा है, एक्टर मंझा हुआ होना चाहिए इसमें, इसमें बदमाश एक्टर होना चाहिए जो ऑन द स्पॉट कुछ सीखे। इतना मजा आता है हप्पू सिंह करने में, मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक क्या है, एक तो राइटिंग तो अच्छी है, हमारे डायरेक्टर साहब भी कमाल हैं, वो बहुत अच्छा सजेशन, लेकिन हम एक्टरों में, आर्टिस्टों में, जैसे हमारा योगेश त्रिपाठी है, कामना जी कितनी कमाल के एक्टर है, हिमानी जी हैं मेरे साथ में, वो नितिन मनोहर है, बड़ा बदमाश एक्टर है, तो हम लोगों में इतनी अच्छी ट्यूनिंग है कि जो सीन होता है उसको हम इतना इम्प्रोवाइज करते हैं, हम लोग सीन से पहले 2-3 रिहर्सल कर लेते हैं और फिर फटाक से वन टेक दे देते हैं, तो बहुत मजा आता है। आप अगर वहाँ सेट पे आएंगे आपको लगेगा नहीं कि शूटिंग हो रही है, ऐसे लगेगा कि मस्ती हो रही है, तो बहुत मजा आता है। और हप्पू सिंह तो आज बहुत बड़ा स्टार है, योगेश त्रिपाठी वेरी गुड एक्टर और वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है वो। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कमिश्नर रेशम पाल सिंह भाभी जी घर पे हैं, एक बहुत ही पॉपुलर करेक्टर बन गया है और आप उसको निभा रहे हैं, क्या कहेंगे, बहुत पॉपुलर है। ये मुझे भी कमाल लग रहा है, क्या हुआ था कि मैं जब शुरू हुआ था भाभी जी घर पे है, तो मुझे एक दिन के लिए बुलाया था, और अनिता जी जो है अपनी उसमें सोम्या जी थी, अभी चेंज हो गई है, तो सोम्या जी का मुझे अंकल बनना था, तो मैंने एक एपिसोड मैंने कर लिया, उस वक्त उसमें मैं पूरा देवानंद देव साहब में बना था। अब मुझे 15-20 दिन के बाद मुझे फिर कॉल आया,
मैं चला गया वापस। मैंने कहा वही अनीता जी का अंकल ही होगा, मैं अपने ड्रेसेस वगैरह सब लेके गया। तो मुझे कुछ इतनी बड़ी बड़ी कलियां लगा दी, विग लगाया, ये बड़ी मूछें। मैंने कहा ये क्या है? बोला अलग रोल है आपका। तो मैंने दिमाग में सोच लिया कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैं भोजपुरी बोलूंगा, और का कह रहा ऐसा थोड़ी ना होता, ये सब मैंने सोच लिया कि मैं ऐसा सब करूंगा ये सब। अब उन्होंने फोटो निकाल के पिक्चर निकाल के ये सब लगाने के बाद, एक तो मेरा मुंह इतना छोटा है, ऊपर से इतनी बड़ी कली, इतनी बड़ी मूछें, ये बड़ा विग, तो मेरा मुंह और छोटा हो गया। उन्होंने फोटो निकाल के चैनल वालों को भेजा, बोला भाई इसकी तो शक्ल ही नहीं दिख रही है। तो फिर वापस उन्होंने निकाला सब, और एक इतनी सी मूछ दे दी, फोटो निकाल के भेजा। उन्होंने कहा डन, और मुझे कमिश्नर के कपड़े पहना दिए। मैंने कहा कौन सा कैरेक्टर है? बोले कमिश्नर। तो भाई कमिश्नर, मैं मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच, मैं किस एंगल से कमिश्नर लगूंगा भाई? कमिश्नर होता है विनोद खन्ना, जैकी श्रॉफ, ये होते हैं कमिश्नर, ये हाई पर्सनैलिटी, ये होता है। मैं बोले आप शुरू तो करो। ठीक है, वो कैरेक्टर तो शुरू हुआ। 3-4 एपिसोड के बाद मुझे भी लगने लगा कि यार इन्होंने मुझे सही कैरेक्टर दिया है। अब मुझे भी लगने लगा कि कमिश्नर होगा तो ऐसे ही होगा। फिर वो रोल ऐसा फिट हो गया उसमें और मुझे भी मजा आने लगा। और फिर 3-4 साल मैंने वो जो किया भाभी जी, उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। तो बोले कहाँ है आप? मैंने कहा मैं अमेरिका में हूँ। रात को हालांकि वहां पे 1 बजा हुआ था, वहां पे बस में भी वाईफाई होता है। मैं शिकागो से एटलांटा जा रहा था। तो बोले कब आ रहे हो? मैंने कहा बस 10-15 दिन में आ रहा हूँ इंडिया। बोले आ जाओ। मैं इंडिया पहुंचा, मैंने फोन किया कि मैं आ गया हूँ। बोले 2 दिन के बाद आपकी शूटिंग है। मैं पहुंच गया तो वहां भाभी जी नहीं बल्कि हप्पू सिंह की शूटिंग थी। मैंने कहा ये कौन सा सीरियल है? बोले हप्पू सिंह के उल्टन पल्टन। कहा इसके बारे में तो आपने बताया नहीं। बोले आप घबराइए नहीं, रोल सेम है, कमिश्नर है आप इसमें। और मैं क्या खुश हो बात! गया। और फिर जो मजा आया है काम करने का, आज मुझे लगता है 1-1.5 साल हो गया, बहुत मजा। अभी मैं, अरे कल मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए, आप शूटिंग हमारी के लिए शूटिंग जा रहे सूरत में चल रही है। हैं? हाँ सूरत में चल रही है, कल निकलना है हप्पू सिंह की शूटिंग में। और आज देखिए हप्पू सिंह टॉप पर है, भाभी वाह जी आज टॉप पर है। देखिए एक चीज खूबसूरत बन के तब आती है जब सब एक्टरों में, डायरेक्टर में, राइटर में, सब में तालमेल हो, एक ट्यूनिंग हो, एक केमिस्ट्री हो, तब एक खूबसूरत चीज उभर के आती है। हमारे प्रोड्यूसर वाकई बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, हम एक्टरों में बहुत ट्यूनिंग है। और एक्टर तो सब आप देख ही रहे, क्या मंझे हुए एक्टर हैं। ऐसे लगता है कि ये कैरेक्टर इसी इसी एक्टर के लिए लिखा गया था। तो बहुत मजा आ रहा है काम करने को। और बस आप मैन है, जनता जनार्दन, दर्शकों का प्यार, लोगों का इतना प्यार मिलता है, इसी की वजह से आज इतना टॉप पर है ये सीरियल। भारती रैना जी लिखती हैं, आपने देव साहब को जिंदा रखा है। वाकई बहुत बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत कमेंट के लिए। जस किरण चोपड़ा जी लिखती हैं, देव आनंद साहब का एटीट्यूड और चार्ली चैप्लिन की मूंछ, कमिश्नर साहब क्या बात है! वाह क्या बात क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये क्या स्लोगन दिया है इन्होंने। वैसे वाकई देवानंद कभी मरते नहीं हैं, देवानंद देवानंद साहब हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसा क्या बात! स्टाइलिश हीरो मुझे नहीं लगता आज तक कभी इंडस्ट्री में आया कोई देवानंद जैसा। मुझे और एक स्टाइलिश लगते थे शशि कपूर साहब, चार्मिंग हीरो, राजेश खन्ना। अरे पहले के आप देखिए ना, हीरो धर्मपाजी को देखिए क्या खूबसूरत, शमी कपूर साहब देखिए, जितेंद्र साहब वाकई देखिए, क्या बात है। विनोद खन्ना वाकई वाकई एक बात, और गाने देखिए पहले के, ये गाने का एक म्यूजिक भी बजता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये गाना कौन से फिल्म का है, किसने गाया है, और कौन से कलाकार पे फिल्माया गया है। आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये गाना ये देवन साहब पे है, ये राजेश खन्ना पे है, ये मुकेश जी गा रहे हैं, राज कपूर साहब या मनोज कुमार जी होंगे, ये रफी साहब वाकई है, ये दिलीप साहब होंगे, शमी कपूर साहब होंगे। गाना सुनते ही आपको तुरंत एक नोट भी बज जाता है, आपको पता चल जाता है क्या पता लिरिक्स चल होते थे, जाता क्या कंपोजिशन, क्या सिंगर, क्या एक्टर, स्क्रीन वाकई चमक खिल उठता था, स्क्रीन खिल उठता वाकई था।
सर आपने थिएटर भी किया है, आपने टेलीविजन भी किया है, आपने सिनेमा भी किया है, तो तीनों जो मीडियम्स हैं उनमें आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा मीडियम लगा है, थिएटर, सिनेमा या टेलीविजन? नहीं, तीनों जगह काम तो देखो तीनों जगह करना है। चैलेंजिंग आपको हर जगह पे है, लेकिन थिएटर में ज्यादा है। थिएटर में आपको रिटेक है ही नहीं, कोई रिटेक नहीं है। एक बार आर्टिस्ट स्टेज पे चला गया, फिर पूरा प्ले आर्टिस्ट के हाथ में चला जाता है। उसमें डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, राइटर कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब जो कुछ भी करना है वो एक्टर को ही करना है, कोई रिटेक नहीं है। सीरियल में ये है कि आपको इतना मंझा हुआ रहना पड़ता है, आप एकदम मंझे हुए एक्टर होने चाहिए उसमें, तो क्योंकि एक दिन में बहुत सारे सीन आपको, अब उनकी भी करने मजबूरी है कि उनको भी इतने एपिसोड इतना सीन करके उनको उसी दिन एक वहां पहुंचना है। पहले हफ्ते में वीकली होता था, जैसे मैंने शक्तिमान किया था तो वो वीकली होता था, संडे को आता था। मैंने बहुत सारे सीरियल लिखे जो वीकली हुआ करती थी पहले, और वो उस वक्त 13 एपिसोड होते थे, 26 एपिसोड, 52 एपिसोड, सीरियल खत्म, दूसरी सीरियल। अब ये नहीं, अब तो सालों साल चलती है और अब डेली है, तो काम बढ़ गया है। राइटर का काम बहुत बढ़ गया, इतना टफ हो गया। राइटर को रोज नई नई चीजें निकालनी है, डेली कहाँ से निकाले इतना मसाला। डायरेक्टर साहब के हाथ में भी ये है कि उनको इतना काम खत्म करके, वो भी अच्छा काम करके देना है उनको, और एक्टर भी इतना तैयार होना चाहिए कि ये पढ़े और उसको तुरंत ही चले भाई, वन रिहर्सल वन टेक, ये हम लोगों को करना पड़ता है, तो वो भी टफ काम है। फिल्म में एक दिन में एक ही सीन होता है या दो सीन होता है, लेकिन वो आपको पूरा जमा के करना है, उसमें भी आपको इतनी मेहनत है। वो डायरेक्टर को भी यही सोचना है, क्योंकि बड़े स्क्रीन पे लोग देखने वाले हैं और ये सालों साल तक लोग देखेंगे। आज भी हम लोग बात मदर इंडिया देखते हैं, मुगले आजम देखते हैं, पड़ोसन देखते हैं, और उसी चाव से देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हो। हमको आज भी ये बिल्कुल फिल्में इतना ही मजा देती हैं जैसे पहली बार जब देखा होगा। पड़ोसन आज भी देखो, किशोर कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, क्या किशोर दा के गाने, आर डी बर्मन साहब का संगीत, तो मेहनत तो तीनों जगह पे इतनी ही है। आपको यह है कि आपको, आप काम करते करते मंझ जाते हैं, जैसे थिएटर में, थिएटर से बड़ा एक्सपीरियंस और दुनिया में कोई नहीं। स्कूल भी आपको नहीं सिखा सकती जो स्कूल में सीखने जाते हैं, थिएटर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, आज अनुपम खेर जी हैं, ये जो बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, ये सब थिएटर से आए हैं। इवन मेरा बेटा करण बिल्कुल थिएटर बिल्कुल, आपका बेटा लिखता खुद भी है। इतने हैं और वो थिएटर से जुड़े हुए हैं, अपने आप पे वो भी एक शख्सियत है, थिएटर के लिए इतना काम कर रहे हैं। इज राइटर एक्टर डायरेक्टर, और शर्मन जोशी के साथ भी इन्होंने प्ले किए हैं, इंग्लिश हिंदी गुजराती प्ले लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है। तो आज इतना एक्सपीरियंस है जितना मुझे थिएटर का नहीं है। मैंने थिएटर मैंने भी किया है, मैंने कुछ 8-10 प्ले किए हैं, या 15 कुछ प्ले मैंने भी किए हैं, क्योंकि अब प्ले करने के लिए अब टाइम नहीं है। प्ले करने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 महीना रिहर्सल होती है, बिल्कुल उसके बाद आपको आउटडोर जाना है, तो हालांकि उसमें पैसे कम होते हैं लेकिन मजा बहुत आता है। बिल्कुल इतना मजा मजा आता आता है कि जब प्ले आप जब कर रहे हो, स्टेज के ऊपर आप किंग हैं, आप बादशाह हैं, वो एक नशा जो है प्ले का, जो तालियां मिलती है ऑन दिस स्पॉट, जो वाह, प्ले एक नशा है, वो मजा है उसका। वाकई उसके लिए फिर आपको वाकई बहुत सारा काम छोड़ना पड़ता है। आपको मैं स्टेज शो ये करता हूँ, सिंगिंग के, बिल्कुल सिंगिंग विद स्टैंड अप कॉमेडी, मैं 2 घंटा 2.5 घंटा अकेला नॉन स्टॉप शो करता हूँ, मेरे लाइव शोज होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको वो शोज छोड़ने पड़ते हैं। तो इतना टाइम अभी नहीं है, तो मैं थिएटर वापस जरूर करूंगा, क्योंकि उसकी बात ही कुछ और है। जब वाकई हाँ जी वाकई। जी जी भारती काजल, रैना जी, भारती रैना जी लिखती है, खोया खोया चांद, क्या आप देव साहब पे ये गाना थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं? खुला आप जब भी भारती भारती बोलती हैं, मेरी वाइफ का नाम भारती है और मेरे सामने खड़ी हैं वो जी जी क्या 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 कह रही थी, खोया खोया चांद।
भारती रैना जी जम्मू कश्मीर की एक लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, दूरदर्शन की रीजनल सिनेमा की। लिखती हैं कि खोया जी खोया जी चांद खुला आसमान, देव साहब का ये गाना अगर आप सुना सकें तो, या कोई और। हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली संग संग मेरे, मुझे वर्डिंग याद नहीं, चारों वाह, तरफ इशारे चले किसी के तो हो जाए। ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, थैंक यू, बहुत वर्डिंग सर, कुछ याद बहुत नहीं खूबसूरत, थी। बहुत खूबसूरत। हमारे साथ रजनीश बग्गा जी जलंधर से जुड़े हैं, सिंगर हैं, लिखते हैं इस पर बहुत खूबसूरत। भारती रैना जी लिखते हैं गॉड ब्लेस यू, बहुत खूबसूरत। जसकिरण चोपड़ा जी लिखती हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया कहती हूँ। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं, बहुत ही गजब। सर अब चलते चलते आप अपनी पसंद का कुछ भी सुना दीजिए, चलते चलते। काफी सारे गाने हैं। चलिए मैं मुकेश जी का सुनाता हूँ, किशोरदा का बहुत, मुकेश जी का एक गाना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना ही का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आवाज आ रही है कि नहीं ये बताइए मेरे को। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो है जुबान, जीना इसी का नाम है। किसी क्या शब्द है, रिश्ता दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। किसी को मर के भी तो याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली के बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
वाह जीना इसी का नाम है, यही तो एक जिंदगी है। वाकई सर मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, जो अभी डिप्रेशन में है, जो अभी उनको लगता है डरे हुए हैं, डरिए मत। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, ये खुशी हमसे बच के किधर जाएगी, गम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी, रात जैसे गुजर गई सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। थैंक यू काजल जी, टी विद काजल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इतना मजा आया, इतने कमेंट्स आ रहे थे खूबसूरत सर, आपने तो शाम बना दी। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सर, बहुत बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगा, वाकई मुझे बहुत मजा आया काजल जी, रियली सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप ये इंटरव्यू देने में। बहुत हमें इतना मजा आया ना सर, और आजकल के ऐसे मायूसी भरे आलम में इतना खूबसूरत, आपने तो इतना समा बांध दिया, इतने खूबसूरत कमेंट है सर, शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज है, तहे दिल से शुक्रिया। अरे जो लोग आपके रास्ते में गड्ढे करते हैं, जो लोग आपके रास्ते में गड्ढे करते हैं, एक्चुअली वो आपको दरअसल छलांग लगाना सिखाते हैं। वाह वाह, मत देख के कोई शख्स गुनहगार है कितना, बस इतना देख कि वो तेरे साथ वफादार है कितना। बल्ला क्या बात सर, क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय काजल जी, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे साथ बने रहे इस मुश्किल दौर में, हमारी हौसला अफजाई की आपने और हमेशा हमें मॉरल सपोर्ट देते रहे हैं हमारे एस्टीम व्यूअर्स, तभी हम ये शो कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो हमारे प्रोग्राम की जान होते हैं, चाहे हम स्टेज पे कर रहे हों या यहाँ कर रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए इस खूबसूरत शाम में, और शख्सियत का अगला अंक कल होगा, और कल हमारे साथ रहेंगी बहुत ही खूबसूरत सिंगर, बहुत ही खूबसूरत उनकी मखमली आवाज, पापुरी हर्ष कल हमारे साथ रहेंगी, उनकी गायकी का लुत्फ लेंगे, उनकी जिंदगी के कस्से, जो उनकी जिंदगी के कस्से हैं, जिंदगी की जो बातें हैं, जिंदगी की जो स्ट्रगल है, जिंदगी की जो इंस्पिरेशनल जर्नी है, उनसे हम रूबरू होंगे। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, एमिनेंट सिंगर है पापुरी हर्ष, उनके साथ रहिएगा कल एक बार फिर से हमारे साथ, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि एंड स्टे सेफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नमस्कार।